गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करते हैं डिस्मिनोरिया के बारे में। डिस्मिनोरिया देखा जाए तो एक मेडिकल टर्म है। नॉर्मली इसको हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं। नीचे पेट में दर्द, जो हम पेड़ू कहते हैं, वहाँ पर जो है बच्चियों के या महिलाओं के बहुत ज़्यादा मेंसेस के टाइम पे, महीना आने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी जो रोजमर्रा की दिनचर्या होती है वो अफेक्टेड होती है। बिकॉज क्या होता है, वो कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाती हैं, उन्हें बिस्तर से उठना भी मुश्किल पड़ता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। और कई बच्चियां जो होती हैं उनको इस दर्द की वजह से अपना स्कूल भी स्किप करना पड़ जाता है। कई बार स्कूल नहीं जाने की वजह होती है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो डिस्मिनोरिया होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी डिस्मिनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मिनोरिया। प्राइमरी डिस्मिनोरिया बहुत कॉमन होता है, ज़्यादातर ये है कि कुछ वजह हो जाने की वजह से या हार्मोनल कुछ डिस्टर्बेंस हो जाने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो वो जो है जैसे गर्म पानी की सिकाई, गर्म पानी बोतल की सिकाई करके या फिर गर्म कुछ खाकर, इस तरीके से हम वो ठीक किया जा सकता है या कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, तो जनरली ये महिलाओं को होता है। सेकेंडरी डिस्मिनोरिया का कारण होता है, सेकेंडरी डिस्मिनोरिया का कारण डिजीज हो सकता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, क्या नाम है, एडिनोमायोसिस हो गया, या फिर ये पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गया। ठीक है, ये जो है इनकी वजह से अगर दर्द हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी डिस्मिनोरिया कहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो आपको इमीडिएटली यूएसजी कराना है, जिससे ये पता चल सके कि कोई बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से डिस्मिनोरिया है, या नॉर्मल कंडीशन है जिसकी वजह से डिस्मिनोरिया की दिक्कत या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, इसके लिए आपको मैंने बताया कि गर्म पानी जो है उससे नहाएं, उसी बात पानी, गर्म पानी को बोतल में भर के या फिर जो हॉट वाटर बैग होता है उसमें भर के आप अपने नीचे पेट की सिकाई करें ड्यूरिंग पेन। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, आपको चाय कॉफी मतलब जो कैफीन है उसको अवॉइड करना होता है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी डाइट लें, आपका जो डेली रूटीन है योगा करें थोड़ा बहुत, डेली एक्सरसाइज करें थोड़ी बहुत, है ना, बाहर की चीजें जो फास्ट फूड है उस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक है, तो जो है आप इन सब चीजों से काफी हद तक बच सकते हैं। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फर्स्ट मेडिसिन इज आर्निका, आर्निका भी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं ज्यादा तो आप आर्निका 200 भी यूज कर सकते हैं। बेलाडोना 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जस्ट लाइक ए लेबर पेन, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे लेबर के टाइम पे पेन होता है, अगर वैसा दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ पेशेंट को फील हो रहा है कि नीचे पेल्विक रीजन में उसका जो ऑर्गन्स है वो बिल्कुल बाहर के साइड आ जाएंगे, इतना दर्द होता है, तो वहां पर बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, बहुत ज्यादा जैसे थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट करेंगे या कुछ करेंगे तो उससे पेशेंट को जो है दिक्कत हो जाती है, पेनफुल कंडीशंस हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद सेकंड मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला भी बहुत अच्छी दवाई है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब एंगर करेगा मतलब गुस्सा करेगा तो उस टाइम ये पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और गर्म चीज से सिकाई करने पर उसको बेटर फील होता है। ठीक है, तो कैमोमिला भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन। नेक्स्ट इज सिम्सिफ्यूगा। सिम्सिफ्यूगा भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव फ्लो होता है पेशेंट को, उसके साथ साथ पेन बहुत होता है। ठीक है, सिम्सिफ्यूगा जो है इन सब चीजों के साथ साथ स्टिफनेस ऑफ नेक एंड स्टिफनेस ऑफ शोल्डर रीजन, इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। दूसरी बात, पेल्विक ऑर्गन्स में जो पेन होता है उसके लिए भी सिम्सिफ्यूगा 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आप पेशेंट को इसे रिकमेंड कर सकते हैं मगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। मैकफॉस जो है वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसको आप लड़कियों को, जो बच्चियां आती हैं उनको मैकफॉस 30 एडवाइस कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है तो सुबह शाम मैकफॉस 30 जो है 3 ड्रॉप्स अगर लिक्विड में है तो 3 ड्रॉप्स विद हाफ कप ऑफ वाटर, और अगर ग्लोब्यूल्स में है तो 4 गोलियां सुबह शाम एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड फ्लो काफी टाइम से रुका होता है जिसकी वजह से पेन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज यूट्रस में कंजेशन की कंडीशन आ जाती है, तो वहां पर पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है, पल्स ब्लड फ्लो को रिलीज कर देती है। तो जो है पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। एपिस मेलिफिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए और
कॉलोफाइलम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, मगर इन सब दवाइयों के सेवन से पहले आप डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो है जनरली स्कूल गोइंग गर्ल्स को बहुत परेशान करते हैं, बिकॉज उनकी जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, जो उनका स्कूलिंग है या कॉलेज डेज है, तो वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप आप ये लें, एक तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करा लें, अगर उसमें कुछ नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप प्रॉपर जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए ट्रीटमेंट लें, तो आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।